हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नियो वोल्टे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि जल विभाग की ओर से एक और बम्पर भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूँ जो की निकाली जा रही है वाटर सप्लाई की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जल विभाग में भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया गया है और इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, चाहे राजस्थान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो। चलिए आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुका है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों, यहां पर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या एप्लीकेशन फीस है, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि आपके सभी दोस्तों को इस नई वैकेंसी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यह 100% रियल है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और रोजाना सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई वैकेंसी के बारे में जो निकाली जा रही है जल विभाग की ओर से। जी हां दोस्तों, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्वालिफिकेशन क्या होगी, 10वीं, 12वीं या फिर स्नातक, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है ऑल इंडिया की वैकेंसी है, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, चाहे राजस्थान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको मिल रही है 32,500 रुपए प्रति माह, आराम से कम आप 32,000 रुपए पर मंथ सैलरी उठा सकते हैं इस वैकेंसी के द्वारा। दोस्तों, अगर आप दिल से चाहते हैं कि जल विभाग में आपको सरकारी नौकरी मिले तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, आपको बताते हैं आगे का पूरा प्रोसेस, तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, वरना आप काफी सारे सवाल करेंगे और हमसे पूछ पूछ के हमारे कमेंट बॉक्स को भर देंगे। जी हां दोस्तों, आपको सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए गूगल में सर्च करें tipswaraldbus.xyz। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे www.tipswaraldbus.xyz, वैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, नोटिफिकेशन पर भी हम लेके चलेंगे, आपको बने रहेगा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली जा रही है ये कहां से आ रही है, तो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, APSC की तरफ से ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, 637 पदों पर वैकेंसी है। ऑफलाइन आवेदन आपको करना होगा, केवल आपको फॉर्म भर के बाय पोस्ट ही अप्लाई करना होगा। दोस्तों, अगर आप इस साल 2020 के अंदर टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, वैकेंसी की जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आ चुकी है। टीचर की भर्ती है 10,906 पद है और यहां पर कोल इंडिया की वैकेंसी है 1500 और यहां पर यूपी लेखपाल की भर्ती है 80,000 पदों पर और पंजाब टीचर की भर्ती है 8,000 से प्लस वैकेंसी है। पोस्ट ऑफिस की भी वैकेंसी आ चुकी है 5000 प्लस। तो इन सभी की जानकारी के लिए यहां पर लिंक भी एक्टिवेट है, यहां पर आप क्लिक हेयर पर क्लिक करके इन सभी वैकेंसी की जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की वाटर सप्लाई की वैकेंसी की। तो यहां पर सैलरी की बात करते हैं, तो यहां पर 30,000 से लेकर 1,10,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट यहां पर 18 से 38 साल है, आयु सीमा में छूट भी रहेगा रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस यहां पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए है, वहीं एससी एसटी ओबीसी के लिए 150 रुपए है और पर बीपीएल के लिए बिल्कुल फ्री है, पेमेंट आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर अगर आपके पास में है ग्रेजुएट डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ में। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है फुल इंफॉर्मेशन यहां पर है। आपको बता दें, आवेदन जो है 19 अगस्त से चल रहे हैं और 12 अक्टूबर 2020 इसकी लास्ट डेट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, लास्ट डेट इसकी बढ़ा दी गई है और यहां पर लास्ट डेट जो एक्सटेंड किया गया है उसका नोटिफिकेशन भी यहां पर है और आप चाहें तो फुल नोटिफिकेशन के लिए भी यहां पर क्लिक करके जा सकते हैं।
लेकिन आपको दिखा देते हैं नॉट यहां पर लास्ट डेट जो बढ़ा दी गई है उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप 12/10/2020 12 अक्टूबर 2020 के रात के 12 बजे तक आप फॉर्म को भर के जमा करा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहां पर आप आएंगे नोटिफिकेशन पे तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर की कितनी वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल की वैकेंसी कितनी कितनी है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है और यहां पर एज लिमिट के बारे में पूरी जानकारी है 18 से 38 साल है। आयु सीमा में छूट भी है, एससी एसटी को 5 साल की है, ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर साफ साफ मेंशन कर रखी है और यहां पर आप देखेंगे तो पे स्केल के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी रखी है और यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में साफ साफ बता रखा है। आप देखते हैं यहां पर पूरी जानकारी दे रखी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट और यहां पर अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी फुल इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। आपको ऑफलाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आप यहां पर apsc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आपको भरना होगा और बताए हुए जो भी दस्तावेज है यहां पर आप देखते हैं दस्तावेजों की लिस्ट भी है, इन सभी को आपको लगाना होगा फॉर्म के साथ में। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरीके से अप्लाई भी करना होगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में पूरी जानकारी है, तो सारी जानकारी के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन पर आए ताकि आपका पैसा और समय बर्बाद ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।